कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्निशियन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास है ये बड़ा सा बॉक्स, इसके अंदर है अगारो का वैक्यूम क्लीनर। इसे मैंने amazon.in से मंगाया है। तो आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसे यूज करके देखेंगे और देखेंगे कितना काम का है ये वैक्यूम क्लीनर। तो सबसे पहले करते हैं इसे ओपन और देखते हैं क्या क्या मसाला हमें इसके अंदर मिलता है। ये है अगारो रैपिड वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। प्रोडक्ट की इमेज यहाँ देखने को मिल जाती है। पीपी प्लास्टिक बॉडी है, 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है। इसका जो होज है वो 360 डिग्री घूम जाता है। 16.5 kPa यहाँ पर हमें सक्शन पावर मिल जाती है। इसके अलावा एक साल की वारंटी हमें इस पर मिल रही है। इसके अंदर हमें ड्राई वेट और ब्लोअर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। पावर 1000 वाट, पावर कॉर्ड लेंथ है 5 मीटर, सक्शन प्रेशर है 16.5 kPa, MRP है 5999 रुपीज, लेकिन इस समय आपको अमेजोन पर ये मिल जाएगा 3800 रुपीज में। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे एक साल की वारंटी मिल जाती है। बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहो तो वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हो। तो फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है अगारो का ये वैक्यूम क्लीनर। इसका यूजर मैनुअल, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है कैसे हमें इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर वारंटी कार्ड भी दिया गया है। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे एक साल की वारंटी मिल जाती है। यूजर मैनुअल के अलावा यहाँ पर हमें इसके अटैचमेंट दिए गए हैं। ये है इसका होज पाइप। इसके अलावा यहाँ पर हमें चार व्हील्स भी दिए गए हैं। इन व्हील्स को हम इसके नीचे इंस्टॉल कर लेंगे जिससे कि हम इजिली इसे इधर से उधर मूव करा सकते हैं। और यहाँ पर एक इस तरह का ब्रश दिया गया है और दूसरा इस तरह का एक अटैचमेंट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा तीसरा अटैचमेंट इस तरह का दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक्सटेंशन रॉड के लिए ये तीन पीस दिए गए हैं जिन्हें हम आपस में जोड़ के इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का एक अटैचमेंट दिया गया है। यहाँ पर ब्रश भी लगे हुए हैं जिससे हम फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये है अगारो रैपिड वैक्यूम क्लीनर। यहाँ पर इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ब्लैक और रेड का कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर हम इसकी फिनिशिंग और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग यहाँ मिल जाती है। पूरी तरह से प्लास्टिक से बना हुआ है और प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, काफी मजबूत है, कॉम्पैक्ट साइज है और इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर। और अगर इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो 1000 वॉट पावर ये कंज्यूम करता है। इसे ऊपर एक हैंडल दिया गया है जिससे हम इसे इजीली उठा सकते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है और इसके दोनों साइड में इस तरह के यहाँ पर लॉक दिए गए हैं जिससे इजीली ये लॉक हो जाता है। जब भी आपको इसे ओपन करना हो तो इसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, लॉक को अंदर की तरफ, जैसे आप पुश करोगे इसका ऊपर का कवर बाहर आ जाएगा। इसके साथ जो होज पाइप आई हुई है उसे हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। इसके अंदर ब्लोअर का ऑप्शन भी दिया गया है। इसे ब्लोअर की तरह यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होज पाइप को कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर अगारो की ब्रांडिंग दी गई है, सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। और यह है इसकी पावर कॉर्ड। पावर कॉर्ड की लेंथ है 5 मीटर, काफी लंबी केबल यहाँ पर दी गई है और केबल की क्वालिटी भी मुझे काफी बढ़िया लग रही है। ऑन करना बहुत ही आसान है। इसे हम अंदर की तरफ पुश करेंगे दोनों साइड से इस तरह से हम पुश करेंगे तो ये कवर हमारा बाहर आ जाएगा। कवर को निकाल लेते हैं। ये कवर हमने निकाल लिया है बाहर और यहाँ पर हमें इसका डस्ट फिल्टर दिया गया है। देख सकते हो इस तरह का डस्ट फिल्टर यहाँ देखने को मिल जाता है। इसे हम डिटैच भी कर सकते हैं। इस तरह से जब आप इसे घुमाओगे तो ये डस्ट फिल्टर हमारा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर एक डस्ट कलेक्शन के लिए इस तरह का बैग दिया गया है। जो भी आपका कूड़ा कचरा है वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद आप इसे निकाल कर आराम से कहीं भी फेंक सकते हो। तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मजबूत प्लास्टिक से ये बना हुआ है। इसे बंद करना भी बहुत ही आसान है। इस तरह से आपको बस यहाँ पर इसे रख देना है और अंदर की तरफ पुश कर देना है। तो अब मैं इसे यूज़ करके देखने वाला हूँ। सबसे पहले इसके व्हील को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। नीचे की तरफ इसके व्हील यहाँ पर लग जाएंगे। यहाँ पर इस तरह के होल दिए गए हैं, यहाँ पर ये व्हील आराम से यहाँ पर लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इनको अंदर की तरफ हमें पुश करना है। तो यहाँ पर इसके चारों व्हील हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। चारों व्हील्स को मैंने यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है
और उसके बाद अब हम इसे आराम से कहीं भी मूव करा सकते हैं। जब आप इसे यूज़ कर रहे होंगे तो ईज़िली आप इसे मूव करा सकते हो। आप देख रहे हो, आराम से कहीं भी इसे टहला सकते हो, लेके जा सकते हो जब आप इसे यूज़ करोगे। होज पाइप को कनेक्ट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर इसको रखेंगे और इस तरह से रोटेट करा दीजिए। ये हमारा यहाँ पर लॉक हो गया। तो यहाँ पर इसके होज पाइप को कनेक्ट करने के बाद अब जो भी अटैचमेंट आप यूज़ करना चाहते हो वो अटैचमेंट यहाँ पर आपको लगाना होगा। मान लीजिए मुझे ये ब्रश यहाँ अटैच करना है, तो ये ब्रश आप इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए इसे यूज़ करना है तो आप इसको अटैच कर सकते हो। इसके साथ मान लीजिए ये जो ब्रश आया है इसे आपको अटैच करना है। किसी भी अटैचमेंट को आप इस तरह से अटैच कर सकते हो। ये है डस्ट क्लीनिंग के लिए, मान लीजिए मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ तो इसे भी इस तरह से लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो इसे एक्सटेंड करना तो एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर हमें रॉड दी गई हैं। इन रॉड को आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर 3 पीस हमें दिए गए हैं एक्सटेंशन रॉड के, आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी लंबा हो गया है, अब आपको क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो होज पाइप हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम इसे ब्लोअर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑन करता हूँ, तो अब आप देखिए ये हमारा ब्लोअर का काम कर रहा है। ज़बरदस्त पावर है, ब्लोअर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सारी जो धूल मिट्टी है उसे हम इस तरह से, और इसे क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। क्लीन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस डस्ट फिल्टर को आपको हटा लेना है। तो ये जो डस्ट फिल्टर है ये काम आएगा जब आप ब्लोअर के तरह से यूज़ करोगे तो जो भी डस्ट होगी वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद इसे आप साफ पानी से धो दीजिए, क्लीन कर लीजिए बाहर ले जाके। और ये देख रहे हैं इसके अंदर सारा जो कचरा था वो इसके अंदर हमारा इकट्ठा हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक बल्ब टाइप का दिया गया है, अगर आपके टैंक में पानी फुल हो जाता है यानी एक लेवल से ज़्यादा पानी यहाँ पर आ जाएगा तो इसके अंदर सेफ्टी बल्ब दिया गया है जो कि अपने आप ही एक्स्ट्रा पानी को बंद कर देता है। इसके अंदर एक बल्ब दिया गया है जो कि ऊपर आ जाएगा और एक लेवल से ज़्यादा पानी अगर टैंक के अंदर भर जाता है तो इसकी मोटर अपने आप ज़्यादा आवाज़ करने लगेगी, ये काम करना बंद कर देगा, तो आपको टैंक का पानी खाली कर देना है। तो दोस्तों अगारो का ये वैक्यूम क्लीनर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ड्यूरेबल प्लास्टिक से ये बना हुआ है, कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, साथ ही साथ इसकी कीमत भी काफ़ी कम है, केवल 3,800 रुपीज़ में आपको ये अमेजोन पर मिल जाएगा। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।